चौथा, इसमें संपत्ति नहीं है, ये गलत है। द्वारा किसमें होता है, सिर्फ उदाहरण याद रखना है, अदरक, हल्दी और केला, इनमें किसके द्वारा होता है, राइजोम द्वारा प्रवर्धन होता है। अब दूसरा इसका बात करेंगे, घनकंद द्वारा किसमें होता है, अरबी में और जिमीकंद में घनकंद द्वारा प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन। प्याज में किससे होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, तो इसमें बल्ब द्वारा होता है, ट्यूब द्वारा होता है, ठीक है। अब अंताभूषतारिका बहुत इंपोर्टेंट है, अंताभूषतारिका बहुत इंपोर्टेंट है, इसमें किस द्वारा होता है, पुदीना के द्वारा होता है, मतलब पुदीना में द्वारा होता है, अंताभूषतारिका द्वारा होता है, शकर के द्वारा इसमें होता है। अब आते हैं ऊपरी भूषतारिका, इसमें दूब घास में बहुत उदाहरण आता है इसका, एक वाक एक उत्तर आता है एक वाक में कि दूब घास में किस द्वारा काल प्रवर्धन होता है, किस द्वारा होता है, ऊपरी भूषतारिका द्वारा। और स्टोलन द्वारा किसमें होता है, ये भी बहुत आता है, तो स्ट्रॉबेरी द्वारा होता है। भूषतारिका का द्वारा किसमें होता है, जलकुंभी में। क्वेश्चन बनता है कि जलकुंभी में काल प्रवर्धन होता है भूषतारिका का द्वारा। पत्र प्रकलिकाओं द्वारा या पत्र कंद द्वारा किसमें होता है, अवेक में होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊपरी भूषतारिका द्वारा दूब घास में, स्टोन द्वारा स्ट्रॉबेरी में, और भूषतारिका द्वारा जलकुंभी में, पत्र प्रकल द्वारा अवयव में, ये करेंगे, ठीक है, याद रखना है इसको, जरूरी है। अब काय प्रवर्धन के लाभ, काय प्रवर्धन के लाभ, इसके क्या लाभ है कायिक प्रवर्धन के। पहला आएगा इसमें बनी संतति आकार की बा आएगा यहाँ,
व अनुवांशिक गुणों में जनन के समान होती है। तो इसमें बनी संतति आकार की व अनुवांशिक गुणों में जनक के समान होती है, मतलब जमन जनक से एकदम कैसी होती है, समान होती है। इन्हें किलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? किलोन। ये क्वेश्चन बार बार बनता है, किलोन क्या है? तो काय प्रवर्धन द्वारा बनी संतति जो आकार की व अनुवांशिक गुणों में बिल्कुल समान होती है उन्हें किलोन कहते हैं। ये क्वेश्चन इसमें से। अब आता है दूसरा, इनमें लैंगिक प्रजनन की क्षमता नहीं होती, इनमें लैंगिक प्रजनन की क्षमता नहीं होती, इसलिए काय भागों द्वारा प्रवर्धन किया जाता है, कांटों को काटकर लगाया जाता है, जैसे गुलाब में टहनी काटकर लगाया जाता है। अब ये प्रजनन तीव्र होता है, ये बहुत जल्दी होता है और इससे बने पौधे बहुत जल्दी विकसित होकर फल उत्पन्न करने लगते हैं। अब आता है कम श्रम की आवश्यकता होती है, इसमें श्रम की आवश्यकता भी कम होती है। तो एक बार फिर देखेंगे, कहेगा कि इसमें बनी संतति आकार की व अनुवांशिक गुणों में जनक के बिल्कुल समान होती हैं, इसमें लैंगिक प्रजनन की क्षमता नहीं होती, यह प्रजनन तीव्र होता है, इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है। ये कभी कभी बनता है, वैसे इसमें अरे आता नहीं, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, ठीक है। तो यहाँ लिखा एसेक्सुअल, असेक्सुअल और यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में अंतर, यहाँ लिखा है असेक्सुअल, यहाँ लिखा है सेक्सुअल, ठीक है। चलिए इसका पहला है कि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण व संलयन नहीं होता, इसमें क्या होता है ना, तो इसमें युग्मक बनते हैं, इसमें युग्मक भी नहीं बनते और ना उनका संलयन होता है, किसमें नहीं होता, अलैंगिक जनन में, ठीक है। इसमें ना युग्मक बनते हैं ना उनका संलयन होता है, और इसमें युग्मकों का निर्माण और संलयन दोनों होते हैं, इसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और उनका संलयन भी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की, इसमें क्या होगा, जनक में प्रजनन में एक जनक भाग लेता है, इसमें एक जनक की ही आवश्यकता होती है, इसमें एक जनक में भी ये प्रजनन हो सकता है। इस प्रजनन में प्राय दो जनक भाग लेते हैं, इसमें दो जनक भाग लेंगे, एक मादा और एक नर। कुछ द्विलंगी जंतु दोनों प्रकार के युग्मकों का निर्माण एक ही जनक पर कर सकते हैं, जैसे कि केंचुआ, प्लेटिपस, ये सब द्विलंगी होते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं, यह समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, मतलब अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन होता है और लैंगिक जनन में अर्धसूत्री। तो जहाँ भी लैंगिक जनन आता है वहाँ कौन सा जनन होता है विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनक की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है, साथ में समसूत्री विभाजन भी इसमें होता है। अब आ जाता है, संतति आकार की व अनुवांशिक रूप से जनक के समान होती है, हमने अभी देखा था लाभ, मतलब संतति व आकार की अनुवांशिक रूप से समान होती हैं, इसमें संतति जनक के साथ साथ आपस में भी असमान होती हैं, अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न इसी के कारण होती है, ठीक है। इसी के कारण से अनुवांशिक जो होती हैं वो भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। अब आता है अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न, इसमें अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न नहीं होती हैं और इसमें अनुवांशिक भिन्नता उत्पन्न होती हैं, ठीक है। अब अगला आता है, सरल व तीव्र प्रक्रम है, ये अभी पढ़ा था हमने, ये सरल व तीव्र प्रक्रम है, यह जटिल व धीमी प्रक्रिया है, इसमें बहुत धीमी प्रक्रिया होती है। अब आता है, प्रजनन इकाई कलिका शरीर खंड आदि होती हैं, प्रजनन इकाई होती है, इसमें कलिका होती हैं, जैसे कि हमने हाइड्रा में देखा था, ये हाइड्रा था, इसमें देखा था यहाँ से एक बल्ब निकला था करके, तो ये कलिका होती है, क्या होती है, ये कलिका होती
ठीक है, ये क्या होती है? कलिका होती है। अब आता है युग्मक प्रजनन इकाई का निर्माण करते हैं। इसमें युग्मक प्रजनन इकाई का निर्माण क्या करते हैं? अब आता है, यह है प्रजनन शैवाल, कवक, अधिकांश पौधे व निम्न कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। यह प्रजनन या यह जनन शैवाल, कवक, अधिकांश पौधे व निम्न कशेरुकीय जंतुओं में पाया जाता है। निम्न कशेरुकीय जंतुओं में भी ये पाया जाता है, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा में पाया जाता है। अमीबा होता है, ये अमीबा हो गया। क्या हो गया? अमीबा। अब ये इसमें पाया जाता है द्विघटन या बाइनरी फिजन, जिससे ये दो बन जाते हैं अमीबा, दो अमीबा बन जाते हैं। क्या होता है? ये जनन शैवाल, ये शैवालों में भी पाया जाता है, यूलोथ्रक्स, यूलोथ्रक्स में ही पाया जाता है, क्या होता है? शैवाल होता है। कवक पेनिसिलिन में पाया जाता है, कोनिडिया द्वारा होता है। तो यूलोथ्रक्स में किसके द्वारा होता है वो देखना है ना। अब अधिकांश निम्न कशेरुकीय जैसे अमीबा बताया, अमीबा में पाया जाता है, जंतुओं में पाए जाते हैं। और यह प्रमुखता उच्च श्रेणी के पादपों व उच्च जंतुओं में पाया जाता है। उच्च श्रेणी जैसे मनुष्य, मनुष्य में भी पाया जाता है, मनुष्य में ये पाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलते हैं अब, ये इस पर आपने बात कर ले हैं, कर ली है। ये है अदरक, आलू तना कंद द्वारा होता है, आलू में, अदरक में प्रकंद, केला में प्रकंद, ये याद रखना है, ये केला है, ये पत्र प्रकलिकाओं द्वारा हो रहा है और ये पुष्पकारिका द्वारा हो रहा है। इसको याद रखना है, कभी कभी ये चित्र आ जाते हैं और पूछते हैं किस प्रकार का प्रजनन हो रहा है। तो अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ठीक है।